नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तर्क। जैसा कि रेलवे ने फरवरी में ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के 26,502 और ग्रुप डी के 62,907 पदों पर भर्तियां निकाली थी। उस नोटिफिकेशन में परीक्षा अप्रैल और मई में संभावित थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब रेलवे परीक्षा तिथि घोषित कर सकता है, शायद ये परीक्षा अब जून में संभावित है। देखते हैं आरआरबी रिक्वायरमेंट 2018 जल्द घोषित होगी ग्रुप डी व सी की सीबीटी परीक्षा की तारीखें। यह न्यूज आज ही प्रकाशित हुई है 10 तारीख की डेट में, यानी कि 6:02 PM पे। देखते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही 90,000 भर्तियों के लिए होने वाले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पहले चरण की परीक्षा की तारीख ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने फरवरी माह में ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,502, ग्रुप डी गैंगमैन खलासी गेटमैन पॉइंटमैन आदि 62,907 पदों पर भर्तियां निकाली थी, जिसका आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 31 मार्च। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में करीब 2.5 से 3.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है, यानी 330 युवाओं में से एक को नौकरी मिलेगी, यानी कि 330 युवाओं में एक को ही नौकरी मिलेगी, यानी कि एक पोस्ट के लिए 330 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ऐसे में अब वक्त है कि तैयारी को लेकर रणनीति बनाने का। रेलवे बोर्ड जल्द ही पहले चरण के सीबीटी की तिथि घोषित कर सकता है। नोटिफिकेशन में रेलवे ने कहा है कि परीक्षा अप्रैल या मई में हो सकती है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आवेदनों के आने के चलते अप्रैल में परीक्षा होना मुश्किल है और यह मई में आयोजित हो सकती है। परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के करीब 10 दिन पहले जारी होंगे, यानी कि परीक्षा के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप सी के लिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी, पहले स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, ओबीसी उम्मीदवारों को 30%, एससी को 30% और एसटी उम्मीदवारों को 25% अंक हासिल करने होंगे। इस टेस्ट में आपको न्यूनतम अंक लाने होंगे, नहीं तो आपको यहीं रोक दिया जाएगा। आगे प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो सकते। इसमें आप मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पदों के लिए कॉमन होगी। अब देखते हैं ग्रुप डी के लिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी। ग्रुप डी के लिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1.5 घंटे का होगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि ग्रुप डी के पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे। विभिन्न श्रेणियों के लिए पासिंग प्रतिशत अलग होगा। अनारक्षित श्रेणी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी श्रेणी के लिए 30% और एसटी श्रेणी के लिए 30% निर्धारित किया गया। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी। इसमें प्राप्तांकों के आधार पर रेलवे बोर्ड आरआरबी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर चरण पीटी शारीरिक दक्षता में भेजेगा। सीबीटी में निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि सीबीटी में निगेटिव मार्किंग, जब आप परीक्षा देंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। पेपर में मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तैयारी के लिए उम्मीदवार पिछले सालों के प्रश्न पत्र सैंपल पेपर सॉल्व करें। 9वीं और 10वीं किताबों पर खास फोकस करें। मैथ के लिए उम्मीदवार नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ अनुघाता, सिंपल कंपाउंड, इंटरनल एलजेब्रा आदि पर अपनी पकड़ मजबूत करें। यानी कि आप लोग मैथ के लिए नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभानी, सिंपल व कंपाउंड इंटरेस्ट, एलजेब्रा आदि पर अपनी पकड़ मजबूत रखें, तभी यह एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी रेलवे से संबंधित एक लेटेस्ट न्यूज। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई किया है, उनको भी इस जानकारी से पता लग सके कि एग्जाम की तारीखें क्या हैं। तो दोस्तों जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद एक बेल आइकॉन होगा,
जब आप उसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।